मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे गाइस। और आज है वेनसडे और हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। कहाँ जा रहे हैं इसके लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा देखने के लिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। और मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, और इतने दिनों से व्लॉग इसलिए शूट नहीं कर पा रहे गाइस कि मम्मी की तबीयत हो रही थी बहुत ही ज़्यादा ख़राब। मम्मी को एडमिट करना पड़ा था, और अभी भी मम्मी पहले से काफ़ी हद तक ठीक है, बट अभी दिक्कत है मम्मी को, तो मम्मी का भी ध्यान रखना तो इस वजह से ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी मैं गाइस। पर अब भगवान की कृपा से सब कुछ सही है, तो आज हमने सोचा कि क्यों ना, बहुत टाइम हो गया था भाई बाहर गए हुए, तो आज क्यों ना बाहर जाया जाए। तो गाइस अब मैं लेट हो रही हूँ, फटाफट से मिलते हैं थोड़ी ही देर में। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हैं पहाड़ों के रास्ते जो कि कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं, और एक के बाद एक घुमाव यहाँ पर आ रहे हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और इस समय ना इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है। तो गाइस आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, और ये एक आपके लिए सस्पेंस है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और अभी ना गाइस हम पहाड़ लाइन में हैं, और इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है ना, मैंने आँखों में इसलिए सनग्लासेस लगा रखे हैं क्योंकि यहाँ की जो ठंडी हवा है वो आँखों में जा रही है और आँखें खुली नहीं पा रही हैं, तो इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है। और गाइस अभी तो बहुत ही ज़्यादा मैं खुश हूँ क्योंकि यहाँ मेरा एक सपना था 3 साल से जाने का, जो कि आज पूरा होने वाला है। और आपको भी दिखाऊँगी कि मुझे कौन सी जगह जाने का शौक़ था। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा गाइस, मिलते हैं थोड़ी ही देर में। तो अभी हम आधे रास्ते में पहुंच गए हैं। अभी यहाँ से कितना टाइम लगेगा मुंडू? हाँ, अभी यहाँ से 1 घंटा और लगने वाला है, और इतनी ठंड हवा चल रही है। अभी हम लोग वो खा के आए हैं, पलाव भात खा रखा है हमने अभी, और पलाव भात खा रखा है सुड़क करके, पेट डम हो रखा है। और पहाड़ लाइन दिखाती हूँ गाइस मैं आपको, कितनी सुंदर लग रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से पहाड़ बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहे होंगे गाइस, ये देखिए आप। और जो हम अभी चल रहे हैं ये पहाड़ लाइन में ही चल रहे हैं हम लोग। पंछी बनो उड़ती फिरो मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया की चमन में। अभी हम लोग कहीं एक जगह रुके हैं जिसका नाम है टिफिन टॉप, और यहाँ का आप देख सकते हैं धूप अच्छी आई हुई है। और आपको मैं और भी दिखाती हूँ, यहाँ से पहाड़ बिल्कुल पास से देख सकते हैं आप, देख सकते हैं यहाँ पर आप पहाड़ देख पा रहे होंगे। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे पहाड़ कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, ये दूर के पहाड़ है और ये नज़दीक में ही पेड़ देख रहे हैं। ये टिफिन टॉप वाली जगह है, मैं आपको ज़रूर प्रेफर करूंगी यहाँ पे आने के लिए। ये पहाड़ लाइन है गाइस, और यहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे खाने के लिए मिलती है, जैसे आप अंडे वगैरह ले सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं खाने के लिए। और यहाँ पे मतलब एक जगह आप ब्रेक ले सकते हैं, बैठने की जगह है। और ये हमारे प्यारे हैंडसम हस्बैंड, हाय तो कर दो। तो गाइस अब फटाफट चलते हैं आगे की तरफ क्योंकि लेट हो जाएंगे, और यहाँ से देखिए आप बस भी आ रही है, तो फटाफट चलते हैं आगे की तरफ, लेट हो जाएंगे। चलें फिर अब आगे।
चले। बहुत ही ज़्यादा पहाड़ लाइन में, ठंड है बहुत ही ज़्यादा। और अभी हम लोग एक जगह और रुके हुए हैं, इसका नाम तो मुझे नहीं पता है, बट यहाँ पे भी बहुत सुंदर जगह है। बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय कर रही हूँ क्योंकि मुझे ना पहाड़ लाइन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं जैसे शहरों से ज़्यादा घूमना पसंद करती हूँ, पहाड़ लाइन में मेरा मतलब आप ड्रीम भी समझ सकते हैं या कुछ भी, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और गाइस मैं ना आपको देख सकते हैं आप पीछे की तरफ को, ये ना बिल्कुल नज़दीक में आपको दिख रहे होंगे पहाड़, बिल्कुल पास में। आप पता नहीं वीडियो में तो ये शो हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है वो मैं नहीं जानती हूँ, बट बहुत ही ज़्यादा पास में है ये पहाड़। और नीचे ना बहुत गहरी खाई है, मेरे को थोड़ा गहराई से डर लगता है तो मैं उतने पास में नहीं जाऊँगी। ये आप देख सकते हैं इतना ही है यहाँ पर रास्ता, इसके बाद ख़त्म। तो मैं यहाँ पर आई हुई हूँ और यहाँ की रोड है बहुत ही ज़्यादा ख़राब। और अब मैं आपको पहाड़ के सबसे अच्छे सीढ़ीदार खेत दिखाने जा रही हूँ, क्योंकि गाइस आपको पता होगा पहाड़ लाइन में जो होते हैं सीढ़ीदार खेत होते हैं, और अब मैं आपको सीढ़ीदार खेत दिखाऊंगी। और यहाँ की सबसे पहले रोड देख लीजिए कि रोड कैसी है, देख सकते हैं कितनी उपड़ खाबड़ रोड है, इतना मतलब बाइक चलाने में दिक्कत हो रही है। ये आप देख सकते हैं कितने छोटे रास्ते हैं यहाँ पे जाने के लिए। तो अब मैं आपको दिखा दूँ गाइस सीढ़ीदार खेत, ये तो था अभी तक का रास्ता। तो जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं यहाँ से सीढ़ीदार खेत दिख रहे हैं, और मैं आपको और भी जूम करके दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं गाइस आप कितने सुंदर हैं, ये पूरे यहाँ पे पहाड़ है ये देख सकते हैं, ये नीचे सीढ़ीदार खेत। तो चलते हैं आगे की तरफ। हम रुके हैं एक जगह पर चाय पीने के लिए, आप देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू है, और भी करीब से आपको मैं दिखाती हूँ अभी। सो गाइज अब आप बताइए हम कहाँ आए हैं, और मैं आपको बता देती हूँ हम आए हैं श्यामला ताल। श्यामला ताल मेरी एक बहुत ही फेवरेट जगह थी, जहाँ मेरा ड्रीम था, मैंने बहुत सुना था इस जगह के बारे में। यहाँ पे एक ताल है गाइज जैसे कि आप देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है। और यहाँ पे सबसे ख़ास बात क्या होती है वो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे सर्दी होती है तो धूप बहुत अच्छी आती है, और जब गर्मी का मौसम होता है, जब हमारे वहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही होती है ना, तब यहाँ पर जो होता है धुंध आती है, ठंडा होता है। और अब मैं आपको ले जाती हूँ नीचे की तरफ को, पास से दिखाते हैं।
हम लोग आए थे श्यामला ताल, और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, और उसमें से कुछ चीज़ें ही मैं कैप्चर कर पाई। और अभी हम जा रहे हैं टनकपुर पॉइंट देखने के लिए आगे की तरफ को। वहाँ से पूरा टनकपुर दिखता है गाइस, जहाँ पे हम लोग रहते हैं जैसे कि आपको पता है, तो वहाँ से पूरा टनकपुर दिखता है। तो वही चीज़ देखने के लिए हम जा रहे हैं, क्योंकि एक इतनी छोटी सी जगह पे पूरा टनकपुर कैसे दिखेगा, तो वही मुझे देखना है। तो देखते हैं गाइस, और मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रही हूँ, जल्दी से बस आ जाए वो जगह, फिर देखते हैं कैसा, और आपको भी ज़रूर शेयर करूँगी मैं। तो मिलते हैं थोड़ी ही देर में। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं, और इतनी ज़्यादा चढ़ाई थी, मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो ये टनकपुर पॉइंट यहाँ से बिल्कुल साफ दिख रहा है, पर अभी धुंध लगी हुई है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा आपको शायद साफ नहीं दिखेगा। फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि आपको वाइट वाइट कलर का ये दिख रहा होगा, और भी करीब से दिखाती हूँ गाइस। ये जो आपको वाइट वाइट कलर का दिख रहा है ना, ये वहाँ पे एक शारदा नदी है जो कि बहुत बड़ी है, और यहाँ से बहुत छोटी दिख रही है। और यहाँ पे घर भी दिखते हैं, पर अभी धुंध की वजह से घर नहीं दिख रहे हैं। जितने भी टनकपुर में सिटी में जितने भी घर हैं वो सभी दिखते हैं, बट अभी ना धुंध की वजह से दिख नहीं पा रहे। हमेशा से कोशिश रहती है कि अपनी व्लॉग में आपके लिए कुछ एंटरटेनिंग दिखा पाऊँ, तो बस वही था। इस वजह से मैंने सोचा कि अपने ड्रीम प्लेस में जाके आपको दिखाती भी हूँ कि मेरा ड्रीम क्या था, आज जो कि आज पूरा हो गया, मैंने देख लिया है। हालांकि आपको कुछ अच्छी चीज़ें भी लगी होंगी, कुछ नहीं भी लगी होंगी, बट मुझे अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। और आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी मेन पहाड़ में जाके खड़ी हो रखी हूँ मैं, अब कुछ रील बना लेती हूँ, कुछ फ़ोटो खींच लेते हैं यहाँ पर। बहुत सारी फ़ोटो और रील्स लेने के बाद अब चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि टाइम हो रहा है, बज गए हैं 2, तो फटाफट से चलते हैं और मिलते हैं थोड़ी ही देर में। ये चंदूर डर है, पर माठू माठू गाड़ी चला, टेढ़ी मेढ़ी रोटा चंदू जरा तू मैं लगा। चलने लग गई है बहुत ठंडी ठंडी हवा, और निकल पड़े हैं हम घर की तरफ के लिए। और तक्ष का ऑर्डर था कि गाइस चॉकलेट लेके जाना है उसके लिए, पहले तो खाता नहीं था, बट आजकल पता नहीं क्या सुरूर चढ़ा हुआ है उसको, तो चॉकलेट लेके जाना है उसके लिए। और यहाँ पे हल्की सी धूप दिख रही है, आप देख पा रहे होंगे मेरे चेहरे पर धूप आ रही है। और आज तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया है, और आई होप कि ऐसे ही मुझे ले जाते रहेंगे घुमाने के लिए। आज बड़े दिनों बाद इनका मूड करा कि मेरे को लेके जाएं। अब मैं आपको पहाड़ दिखाती हूँ गाइस। मेरे सब्सक्राइबर हैं जो गांव के हैं वो तो ठीक है, जो शहर के हैं मैं उनको ये प्रेफर करूँगी कि शहर की जो लाइफ होती है गाइस, मैं भी वहाँ रह के आई हूँ, बहुत भाग दौड़ भरी होती है, अपने लिए टाइम नहीं निकल पाता है। तो कभी भी अगर आपको स्टे करना है, कभी भी अगर आपको आराम करने के लिए आना है, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालने के लिए आना है, तो हिल स्टेशन ज़रूर आइए, पहाड़ी इलाकों में ज़रूर आइए, क्योंकि इससे ज़्यादा शांति आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। पहाड़ की तो बात ही कुछ और है ना उंडू।